हे, तुमने कहा था ना सैर कराओगी, कब कराने वाली हो? तुम जानती हो ना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, हम मेहमान हैं। इसकी टाइमिंग इसकी तरह ऑफ है, अभी बताती हूँ। अच्छा हुआ याद दिलाया, हमारे यहाँ एक पुराना मंदिर है, मस्त है वो, चलोगे? अच्छा पुराना मंदिर, कूल। आप पर सुबह सुबह उठना पड़ेगा, वो भी 3 बजे। वो क्यों? यही तो परंपरा है, तुम अमरीकी लोग कर पाओगे? या नो प्रॉब्लम। ठंडे पानी से नहाना, ओके। सर से पैर तक, ओके। धोती पहननी पड़ेगी तुम्हें, वो जैसे तिरुपति में पहनते हैं। धोती मैं दूंगी ना। ओके अब तुम आराम से सो जाओ, ठीक 3 बजे उठना। हाँ ठीक, अच्छे से सोना, ओके गुड नाइट। ये चिपकलियाँ, मुझे कुछ कहा? नहीं नहीं, वो जेट लैग हुआ है ना, नींद नहीं आ रही है। ऐसे ही नहाता रहा तो निमोनिया से मर जाऊंगा। लुंगी छूट गई, अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। बेटा तुम कहीं जा रहे हो क्या? तैयार हो गए? बस यहीं मंदिर तक। हेलो, नमस्ते। आओ। वाओ, व्हाट आर यू वेयरिंग? यू लुक लाइक अ क्लाउन। लगता है यही दूल्हा है। अच्छा है। सुनो, शादी भले देर से कर रहे हो पर बच्चे करने में देरी मत करना, ठीक है ना? नहीं नहीं दूल्हा मैं। ओए, मेरा हाथ क्यों पकड़ा? तुमने तो कहा था 3 बजे उठना, नहा लेना। अच्छा हाँ, मैं भूल गई, आंख नहीं खुली, फिर कभी देख लेंगे। ओए ओए, वैसे मजाक करना अच्छी बात नहीं है, तुम्हारी वजह से धोती पहन ली। वाओ, धोती में बहुत क्यूट लग रहे हो, हवादार भी रहती है ना? पॉइंट वो नहीं है, इतनी चीटिंग, धोखा, कॉन्स्पिरेसी। पहले तो छिपकलियों की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। अच्छा? और जब तुमने अचार लाने को कहा था तब क्या? ओ मैन, मैं इतनी मेहनत करके लाई, किसी ने खाया? तुम्हारे दिमाग में वो था? बुआ को बता दूं क्या? बुआ को बोलोगे? बुआ को बोलोगे? हाँ वैसे बोल सकता हूँ। ओ शख्स, तुमने सुबह मेरी फोटो खींच ली? क्या शिट, ठंड में कैसा लगा, मजा आया होगा ना? अब बोलो बुआ को। क्रेजी हो, वैसे मस्त दिख रहे हो। इसमें ई सर्टिफिकेट वाली भी है, देखनी है क्या? भानु, वाह, इंडिया की लड़कियां बदल गई हैं। लड़कियां नहीं, सिर्फ लड़की। भानुमती, एक सिंगल पीस, दो कास्ट और दो जगह की हाइब्रिड लड़की। ये तो मुझे पागल कर देगी।
तुम्हारा भाई अच्छा इंसान है ना? क्यों पूछ रही हो? मेरी बहन बहुत अच्छी है, मेरे जैसी नहीं है, कोई गुस्सा नहीं, उल्टा जवाब नहीं देती, बहुत प्यारी है। तुम्हारा भाई कैसा है? तुम्हारी बहन को हम अच्छी तरह समझ गए हैं, पर तुम हमारे भैया को नहीं समझ पाई। हम समझ गए, पर डर तो लगता है ना। डर लगता है? क्यों? वो तुम लोगों के साथ जो जा रही है, सब छोड़ के। फिक्र मत करो। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ए, मुझे मंदिर कब लेकर जाओगी? प्रार्थना करो, वो भी हो जाएगा। हाथ जोड़ा। जीजा जी का भाई है। It's beautiful. मेरा गांव। Wake up in the morning and dad. Wake up in the morning and dad. Thanks. Thank you. I need toilet paper. Toilet paper. I need toilet paper. छिपकली नहीं आएगी। थैंक यू भानु। कैसा लगा? हमारे कुएं का पानी। रियली? हाँ। इट्स गुड। ये सब टुकड़े मिलकर 10 एकड़ है साहब, यहाँ नीचे और वहाँ ऊपर भी। ये भी? हाँ, सब मिलाकर साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते। ये वाला साहब। ओके, तुम कौन हो? मालिक हो? नहीं साहब, मैंने तो ये खेती 20 साल के लिए किराए पर ली है, इसे खाकर देखिए साहब। ये जो है ना साहब, ये वाला एरिया। ये तो बढ़िया है। मैंने तो पहले ही कहा था साहब। अब आप इसे बेचेंगे क्या? मैं भी इसी बात को लेकर परेशान हूँ। आप लोग तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो मेरे लायक कोई काम हो तो जरूर बताइएगा साहब। मतलब आप मजदूरी करेंगे? दूसरा कोई रास्ता नहीं है साहब। साहब संभाल लेंगे। ओए! तुमने जमीन खरीद ली है क्या? नहीं, अभी नहीं। बूढ़े किसान ने किराए पर ली थी ना? हाँ। तुम ये खेत खरीद तो सकते हो, पर अमेरिका वालों को खेती कहाँ आती होगी। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ब्यूटीफुल। क्या? कूल। लड़की को पसीना बहाते हुए कहाँ देखोगे? तुमने तो वो देखी होगी ना जो एसी में रहती है, कान में हेडफोन्स होते हैं और हाथ में सेलफोन। सॉरी, वो तुम्हें देखने का मन किया तो। बुद्धू कहीं का। तुमने मुझे नहाते हुए देख लिया ना, मैं नहीं देख सकता। अच्छा ये बात है, तो इतने पापड़ बेलने की क्या जरूरत थी, डायरेक्ट ही पूछ लिया होता। प्रार्थना करो, वो भी हो जाएगा। वो ठीक है। बेशरम यार, तूने इतनी जल्दी सब पढ़ लिया, मैंने तो अभी शुरू किया है। अरे इतनी जल्दी चेंज कर लिया? पढ़ूंगी नहीं तो लुढ़क जाऊंगी। हे, तुम्हारा डांस बढ़िया था, ऑसम। जमीन का क्या हुआ?
वो हमने खरीद ली और किसान को लीज पर दे दी। वो किसान खुश, जमीन खुश, हम भी खुश। अब रियल एस्टेट वाले परेशान नहीं करेंगे। तुमने अच्छा काम किया। एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिदा। हाँ? फिदा। अच्छा, तुम्हें एग्जाम में किसी चैप्टर में हेल्प वगैरह चाहिए हो तो ऊपर आ जाओ। फिर से कहना। ऊपर आ जाओ। सुनकर अच्छा लगा। All right, give me a couple of minutes. I'll change and come. हाँ। Cool room. यहीं से ली थी ना मेरी फोटो? Thanks. तो ये दो पिक्चर्स और ग्राफ बनाओ। अच्छा, ओके। कर पाओगे ना? या वैसे अगर तुम सिर्फ इसे कॉपी करोगी तो समझ में नहीं आएगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओह वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। ओप्स। रुको, मैं रबर देती हूँ। क्या देती हूँ? रबर। यूएस में कॉन्डम को रबर कहते हैं। हाय, शर्मा गया लड़का। इतनी छोटी सी चीज के लिए शर्मा रहे हो। हमारे देश में तो बोलते रहते हैं कॉन्डम यूज करो, कॉन्डम यूज करो, नहीं तो एड्स हो जाएगा। अच्छा। एडवर्टाइजमेंट्स पे करोड़ों खर्च करते हैं। ओ, लगता है तुम्हें इसकी मस्त नॉलेज है। यार क्या गजब लड़की हो, हर बात पे क्लास ले लेती हो। हे, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी मेरे बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? ख्याल जो भी हो, तुम्हें बताऊंगा तो फिर क्लास ले लोगी। चाय पिए क्या?